प्रधानमंत्री ने धर्मशाला में किया रोड शो, कार्यकर्ताओं में नजर आया उत्साह। प्रदेश के स्कूलों में आज हुआ शाला प्रवेश उत्सव। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित चार जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नौरा, नारायणपुर में बंद 260 स्कूलों को फिर से किया शुरू। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए प्रदेश के युवाओं में दिख रहा है उत्साह। और कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय मुख्य सचिवों के सम्मेलन में शामिल होने आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया। सम्मेलन में शामिल होने से पहले श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। तो आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता फूलों से उनकी आवभगत करती हुई, उनका स्वागत करती हुई। यही सहज सरल और स्वाभाविक एक व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री का। हमेशा से अपने आप को प्रधान सेवक के तौर पर उन्होंने पेश किया और किस तरह से जनता उनको प्यार करती है और नब्ज टटोलने के लिए आज रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गौरतलब है कि सम्मेलन में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शहरी प्रशासन, फसल विविधता और कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता पर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बटन दबाकर नक्सल प्रभावित चार जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में बंद पड़े 260 स्कूलों को फिर से शुरू किया। इन स्कूलों से 11,013 बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलेगा। बीजापुर जिले में सबसे अधिक 158, सुकमा जिले में 97, नारायणपुर जिले में 4 और दंतेवाड़ा जिले में एक बंद स्कूल फिर से खोला जा रहा है। राजधानी रायपुर के सभी शासकीय स्कूलों में आज शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस दौरान छात्रों को यूनिफॉर्म और किताबें बांटी गई। जेएन पांडे शासकीय स्कूल में काफी संख्या में बच्चे उपस्थित हैं। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए यहां पे सेल्फी जोन भी बनाए गए हैं। वहीं लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल में भी पहले ही दिन बच्चों की उपस्थिति काफी अच्छी रही। यहाँ भी कोरोना गाइडलाइन के तहत पढ़ाई शुरू की गई। यहाँ की प्राचार्य मनीषा गहोई ने बताया कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। स्कूल का पहला दिन है, बच्चों की संख्या काफी अच्छी रही। शासन के निर्देश अनुसार जितनी तैयारी बताई गई थी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और बच्चे भी काफी उत्साहित होके आए हैं। उनको भी नए सत्र में काफी अच्छा लग रहा है कि पहली बहुत 2 साल बाद उन्हें 16 जून से स्कूल आने मिला है। वहीं प्रदेश भर के स्कूलों में आज शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेना में भर्ती को मंजूरी देते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है। इसके तहत 4 वर्षों के लिए युवाओं की सेना में भर्ती की जाएगी। इस घोषणा के बाद प्रदेश के युवाओं में सेना में भर्ती को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। धड़कती है आग दिलों में देश की रक्षा की। बाजुओं में तमन्ना है खतरों से लोहा लेने की। रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी। इस खेल में नहीं तुम्हारा कोई सानी। युवा हो तुम, देश की जान हो तुम। ये मौका है अपने और अपनों के लिए एक गर्व से भरा उज्जवल भविष्य बनाने का।
भारतीय सैन्य बल में शामिल होने का, गौरव पाने का, जिंदगी जिंदा दिली से जीने का, बने भारत के अग्निवीर बने। युवाओं के लिए पहले तो ज्यादा युवाओं को फौज में भर्ती होने का मौका मिलेगा, फौज में नौकरी करने का एक अवसर मिलेगा, और ज्यादा युवा भर्ती होने के कारण फौज भी युवा शक्ति बने रहेगा, और जो अच्छा काम करेंगे इसमें उन लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो आगे चलते हुए फौज में कंटिन्यू करेंगे, और जो फौज से रिटायरमेंट हो जाएंगे उनके लिए भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में प्रायोरिटी रखा जाएगा भर्ती होने के लिए। अग्निपथ योजना देश के बहुत देश के हित में है, सरकार का फैसला बहुत अच्छा है, इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ साथ शिक्षा मिलेगी, शिक्षा के साथ साथ अनुशासित होंगे, 4 साल नौकरी करने के बाद उनको एक अच्छी खासी रकम मिलेगी जिससे वे अपना स्वयं का कोई व्यवसाय चालू कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के युवाओं की भर्ती की जाएगी। इन्हें 10 हफ्ते से 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं और 12वीं पास युवा आवेदन के लिए पात्र होंगे। यदि कोई अग्निवीर देश सेवा में शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी जाएगी, साथ ही बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 195,67,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 15,21,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.65% है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 58 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 232 हो गई है। यह मार्च के बाद मिली कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इस आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना की चौथी लहर का खतरा टालने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम सब पूरी सावधानी बरतते हुए आम स्थलों में शारीरिक दूरी और मास्क का उपयोग अवश्य करें। श्री सिंहदेव ने कहा कि जिन्होंने कोरोना का टीका अभी भी नहीं लगवाया है वो सभी टीका अवश्य लगवा लें। 12 से 15 साल आयु वर्ग के बच्चे और 15 से 18 साल के बच्चों के साथ ही 60 वर्ष के ऊपर के लोग जिन्हें बूस्टर डोज की प्राथमिकता है वो सभी अपना टीकाकरण अवश्य करवा लें। एनटीपीसी सीपत में बालिका सशक्तिकरण अभियान 2022 का रंगारंग समापन हो गया। समापन समारोह में बालिका सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में एक उड़ान असीमित आसमान थीम को लेकर प्रतिभागियों ने विभिन्न विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रदेश में प्री मानसून की स्थिति बन गई है जिसके कारण अनेक जगह पर बारिश हो रही है। सबसे अधिक 32.2 मिलीमीटर बरसात जगदलपुर में दर्ज की गई। साथ ही रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा मरवाही, महासमुंद, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद जिलों में भी अनेक जगहों पर बारिश हुई। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना बन रही है। इस दौरान बादलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की भी संभावना है। अधिकांश हिस्सों में हुई बरसात की वजह से दिन का मौसम रोज की अपेक्षा ठंडा हो गया है। प्री मानसून को देखते हुए प्रदेश भर के नगर निगमों ने नालियों और नालों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। राजनांदगांव में भी नगर निगम प्रशासन ने मानसून आने से पूर्व नालों की साफ सफाई और अभियान की शुरुआत कर दी है। महापौर हेमा देशमुख ने बताया कि सफाई अभियान में एकत्रित कचरे को नवागांव के वेस्ट डिस्पोजल सेंटर में नष्ट किया जाएगा।
निगम द्वारा सफाई की जाती है। हम चैन वनटेन और जेसीपी के द्वारा बड़े नालों की सफाई कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार के रुकावट ना हो। जब तेज बारिश आती है तो पानी में कचरे बह के रुक जाते हैं और जिससे कि बहाव ऊपर आ जाता है। तो चूंकि सिल्ट भी काफ़ी जमी रहती है, बीच बीच में हमारी सफाई चलती है, लेकिन वर्षा पूर्व ये स्पेशल सफाई चलती चैन मंडल के द्वारा, जिसे बड़े नालों की हम सफाई कर लेते हैं ताकि वर्षा के पूर्व किसी प्रकार का व्यवधान ना आए। अभियान के तहत जगह जगह बन गए गड्ढों को भी भरा जा रहा है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस मौके पर आज हम आपको कुछ ऐसे योग आसनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो शरीर का संतुलन स्थापित करने में काफी मददगार साबित होते हैं। आप भी अपने जीवन में बैलेंस ढूंढ रहे हैं तो आप करिए तोलांगुल आसन का अभ्यास। तोलांगुल आसन आप एक बैलेंसिंग पोज है जो आपके जीवन को भी बैलेंस्ड कर देता है। कैसे करना है तोलांगुल आसन का अभ्यास? हम इस प्रकार से पैरों को सामने फैला करके बैठ जाते हैं और फिर यहाँ से हम पद्मासन लगा लेते हैं। पद्मासन में बैठना, कमर को सीधा रखते हो। अब जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस स्थिति में आना और फिर अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना। कैसे? सबसे पहले हथेलियों को साइड में टिकाएंगे, फिर अपनी कोहनियों को साइड में टिकाएंगे और कोहनियां जमीन पर ही रहेंगी। घुटने उठा दिए हमने, इस तरह से अपने थाइस पर हथेली को टिकाना, गर्दन को सीधा कर देना, ऊपर की ओर देखना और इस स्थिति में आंखों को बंद कर देना। यथा सामर्थ्य तोलांगुल आसन में रुकना और फिर से अपनी हथेलियों का सहारा लेते हुए आसन में वापस आ जाना। इसी के साथ साथ जो दूसरा अभ्यास आप लेंगे वो है गुप्त पद्मासन का अभ्यास। गुप्त पद्मासन आप नाम से ही समझ गए होंगे, पद्मासन जो कि गुप्त है, जो कि नजर नहीं आता है। तो इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे? इसके लिए भी हम पद्मासन लगा लेंगे ऐसे और फिर यहां से अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाएंगे और फिर अपने शरीर को उठा लेंगे, यानी इस स्थिति में आना और यहां से ऐसे और यहां आने के बाद और थोड़ा सा आप समझिए इसको, यानी कि हमने सीने को जमीन पर लगा दिया, पूरी तरह से लेट गए। अब ये जो पद्मासन है गुप्त हो गया, ये नजर नहीं आ रहा, और हाथों को पीछे की तरफ से ले जाकर नमस्ते की स्थिति में ले आना, यथा सामर्थ्य स्थिति में रुकना और फिर अपने हाथों को वापस लाना, अपनी हथेलियों का सहारा लेते हुए सीने को उठाना और वापस पद्मासन में आ जाना। पैरों को खोल देना और कैसे रिलैक्स होंगे? पैरों को सामने फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने धर्मशाला में किया रोड शो, कार्यकर्ताओं में नजर आया उत्साह। प्रदेश के स्कूलों में आज हुआ शाला प्रवेश उत्सव, मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित 4 जिलों सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर में बंद 260 स्कूलों को फिर से किया शुरू। केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए प्रदेश के युवाओं में दिख रहा है उत्साह। और कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।